Namaste and welcome. Today we are going to discuss basics of trigonometric ratios. This topic is very useful for the students of 9th and 10th class as well as for the students of 11th class because basics of trigonometric ratios are very useful in the physics of 11th class. So let us start with our tagline, that is be update in your life. Okay. There are 6 trigonometric ratios. We will introduce first 3 trigonometric ratios. मुख्य रूप से 6 trigonometric ratios होते हैं और उन 6 में से हम 3 को introduce करते हैं. जो भी trigonometric ratios हैं वो मुख्य रूप से एक right angle triangle के लिए define है. आप left में देख सकते हैं कि एक right angle triangle है ABC. वहाँ पे आपको एक angle नजर आ रहा है theta और theta से जो लगी हुई side होगी वो होगी adjacent side. ये theta angle C पर है या angle C है theta. अगर ये A पर होता तो A भी बन जाती है एडजेसेंट साइड, मतलब एंगल से जो लगी हुई साइड है वो कहलाएगी एडजेसेंट साइड. और आप जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. और थीटा के अपोजिट जो साइड होगी एकदम उसे हम बोलेंगे अपोजिट साइड. अगर ये A पर होता तो BC बन जाती अपोजिट साइड. तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कैसे डिफाइन किया गया है, उसका क्या नाम है, वो है साइन थीटा. तो साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो आप देख सकते हैं अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी. और कॉस थीटा बराबर है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड आपकी क्या है बी सी अपॉन ए सी. और तीसरा है टेन थीटा. टेन थीटा क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो को बोलते हैं हम टेन थीटा. तो ये क्या बन जाएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन बी सी. तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. इनको डिफाइन किया गया है, इन जो साइड्स के रेशियो हैं उन्हें एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है ए बी अपॉन ए सी, यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो कहा गया है साइन थीटा. ऐसे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो कहा गया है कॉस थीटा. ऐसे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड के रेशियो कहा गया है टेन थीटा. अगर थीटा की जगह अल्फा एंगल होता तो टेन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाता, बीटा होता तो बीटा हो जाता. तो थीटा में नहीं बन रहा है हमें, ये तो नोटेशन मात्र है. अल्फा हो सकता है वहाँ पे, बीटा हो सकता है वहाँ पे, गामा हो सकता है और कोई भी नाम हो सकता है एंगल का. तो उससे परेशान होने की आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं है. तो ये 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ये आपको स्मरण होना चाहिए. 9th क्लास में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और फिजिक्स में इनका काफ़ी सारा यूज़ होगा. 9th क्लास के फिजिक्स में भी कम यूज़ है, 11th के फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इनका. और उन्हीं 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के आधार पर 3 और नए रेशियोज़ आते हैं जो क्या हैं, 3 मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आर ऑल्सो डिफाइंड एज. पहला है कॉट थीटा. कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 1/10 थीटा. तो टेन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. टेन थीटा के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं कॉट थीटा. अगला है सेक थीटा. सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है. ऐसे ही कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज 1/sin θ. तो टोटल 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके सामने आए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी चाहिए, इनका काफ़ी सारा इस्तेमाल अलग अलग जगह पर होने वाला है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये 10th क्लास के बोर्ड में भी पूछी जाती हैं प्रूव करने के लिए, कोई भी आइडेंटिटी पूछी जा सकती है. तो देखते हैं क्या आइडेंटिटीज हैं. तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं ट्रायंगल एबीसी में, पाइथागोरस थ्योरम जो है काफ़ी छोटे क्लास में आ जाती है, 7th 8th क्लास में आ जाती है. तो वो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, कि उसकी दो साइड्स का जो सम होता है, दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है. आप देख सकते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम भी है स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड प्लस स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज. यानी मैथमेटिकली हम कह सकते हैं ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है आपका यहाँ पे अपोजिट साइड है, और बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हमारा क्या है एडजेसेंट साइड है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. लेकिन साइन थीटा बराबर क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ये डिफाइन हम कर चुके हैं, ए बी अपॉन ए सी है हमारा साइन थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. ऐसे ही कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज और वो है बी सी अपॉन ए सी. तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर देंगे.
हैंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या इनको ऐड किया तो LHS LHS में ऐड हुआ है और RHS RHS में ऐड हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना था, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर वो लिखा हुआ है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना था, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों का डिनोमीटर समान है, किसका डिनोमीटर समान है, इन दोनों का डिनोमीटर समान है, ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो इन दोनों के न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई, तो आगे हम बढ़े तो न्यूमरेटर ऐड हो गए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से हम प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव कर चुके हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का सम कितना है, ए सी स्क्वायर के बराबर है। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया आपके सामने ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, दैट इज वन। तो ये आइडेंटिटी पहली प्रूव हो जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, टेंथ के बोर्ड में प्रूव करने के लिए पूछी जाती है। सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी, नाउ वी विल प्रूव सेकेंड आइडेंटिटी, वो है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कई बार पूछते हैं बोर्ड में टेंथ के में कि प्रूव दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या किया, LHS को लिया, LHS क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन की वैल्यू रख दी हमने, टेन की वैल्यू आप जानते हैं अच्छी तरह से, टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जब वन ऐड होगा तो आपके सामने ये एक्सप्रेशन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन भाई इसका न्यूमरेटर अभी अभी तो हमने प्रूव किया, इसके न्यूमरेटर को क्या प्रूव किया है, वन, इसको हमने लिख दिया वन, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए प्रूव हो जाता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगली आइडेंटिटी को संपर्क करेंगे हम, वो है नाउ वी विल प्रूव थर्ड आइडेंटिटी, जो कहती है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से हमने यहाँ पे LHS लिया है, आपने देखा LHS की वैल्यू हमने यहाँ पे ली, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसमें, न्यूमरेटर में। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहली आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या है भाई, वन है, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया अल्टीमेटली। और वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरी आइडेंटिटी भी हम प्रूव कर देते हैं। तो बच्चों आपको ये आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, प्रूव करनी है और चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छे से याद रखने होंगे। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, हम एक प्रश्न हमारे सामने है, क्या है प्रश्न, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा इन द ट्रायंगल एबीसी एस सोन इन द फिगर। आप ट्रायंगल एबीसी फिगर में देख सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें पूछा उसने साइन थीटा की वैल्यू बताइए। तो साइन थीटा क्या होता है भाई, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप देख पा रहे हैं अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी है भाई, अपोजिट साइड की वैल्यू है थीटा के लिए 12, तो ये आ गया 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी 13 अपॉन 12। अब कॉस थीटा पे जाते हैं, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड कितनी है 5, तो 5 अपॉन 13। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो है आपका होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया 5 अपॉन 13 का रेसिप्रोकल, यानी 13 अपॉन 5। आगे बढ़ते हैं, अब रह गया टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा हमारा कितना आया था 12 अपॉन 13 और कॉस थीटा कितना आया था 5 अपॉन 13, तो टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 12 अपॉन 5, ये वैल्यू हमें मिल गई टेन थीटा की। अब कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी 5 अपॉन 12, तो ये हमें मिल गई कॉट थीटा की वैल्यू भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद जय भारत।